नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो और मैं हूं आपके साथ प्रतीक। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म का नाम है शिकारा, लव लेटर फ्रॉम कश्मीरी पंडित। आपको बता दें, विधु विनोद चोपड़ा अपनी मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 Idiots, PK, संजू जैसी फिल्मों से जाने जाते हैं। आज उनकी फिल्म शिकारा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो जारी होते ही सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करने लगा। फिल्म का ट्रेलर एक प्रेमी जोड़े के बीच हो रही शेरो शायरी के साथ शुरू हो जाता है। तभी अचानक बाहर से शोर मचता दिखाई देता है और लोग अपने घरों से निकल सड़कों पर आ जाते हैं। ट्रेलर के सीन में दिखता है कि लोगों के घरों में आग लगाई जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से जाना होगा, हमें चाहिए आज़ादी के नारे से कश्मीरी पंडित डर जाते हैं। फिल्म का ट्रेलर वाकई में काफ़ी दिल को छू जाने वाला है और इमोशनल कर देने वाला है। वहीं अगर कहानी की बात करें तो ट्रेलर से जो पता लगा है, शिकारा अ लव लेटर फ्रॉम कश्मीरी पंडित फिल्म की कहानी वर्ष 1990 की है, जब कश्मीर के एक पूरे समुदाय को बेघर कर दिया गया था। शिकारा की कहानी मुश्किल हालातों से डटकर सामना करने की कहानी है। ट्रेलर की शुरुआत एक जोड़े शांति धर और शिव कुमार धर से होती है, जो अपने घर में सुकून से बैठे होते हैं। तभी शांति की नज़र खिड़की से जलते हुए घरों पर पड़ती है। इसी के साथ कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ कर निकालने की ये दास्ता शुरू हो जाती है। ये ट्रेलर अपने ही देश में रिफ्यूजी बने लोगों की कहानी पूरी भावनाओं के साथ दर्शकों तक पहुंचाता दिख रहा है। यह फिल्म उस दौरान कश्मीर से अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए 4 लाख कश्मीरियों का दर्द बयां करती नजर आ रही है। फिल्म में दो नए चेहरे सादिया और आदिल खान को पर्दे पर लाया गया है। विधु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म शिकारा 7 फरवरी को रिलीज होगी। फॉक्स स्टूडियो ने इसे प्रोड्यूस किया है। वहीं एक और फिल्म मलंग का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और ये फिल्म भी 7 फरवरी को रिलीज होगी। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म मलंग में आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी, अनिल कपूर और कुणाल खेमू को बेहद अलग अवतार में दिखाया गया है। ट्रेलर की बात करें तो शुरुआत में आदित्य और दिशा के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली, लेकिन फिर ट्रेलर में दिखता है मार धाड़। आदित्य, अनिल कपूर और कुणाल खेमू तीनों लड़ते हुए नजर आते हैं। पूरे ट्रेलर में तीनों सिर्फ एक दूसरे की जान लेते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की कहानी क्या है, क्यों सब एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है, ये तो आप फिल्म में सस्पेंस क्या है वो फिल्म देखकर ही आप पता लगा पाएंगे। तो ये दोनों ही फिल्में 7 फरवरी को रिलीज हो रही हैं। आपको इन दोनों में से किस मूवी का ट्रेलर ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। एक फिल्म में आपको दिख रहा है कि एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक थ्रिलर है, तो दूसरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आपको कौन से फिल्म का ट्रेलर ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और देखते हैं 7 फरवरी को कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती है। इसी के साथ हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। इसी के साथ बने रहिए जनता शो के साथ। शुक्रिया।